अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं दुबई की। दोस्तों, दुबई के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि दुबई एक शहर है या मुल्क? बहुत से लोग दुबई को मुल्क मानते हैं, जबकि दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद दुनिया का बहुत ही मशहूर और ख़ूबसूरत शहर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, मगर क्या आप इन 7 अमारात के नाम जानते हैं जिनसे मिलकर अरब अमारात बना? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। दुबई, अबूजबी, अजमान, अजीरा, रासुल खैमा और शारजा शामिल हैं। अबूजबी यहाँ का दारुल हुकूमत है। मुत्तहिदा अरब अमारात को यूनाइटेड अरब अमारात भी कहा जाता है या मुख्तसर तौर पर यूएई कहा जाता है। मगर दोस्तों, आज हम यूएई के मशहूर और कारोबारी शहर दुबई की बात करेंगे। दुबई रकबे के लिहाज से यूएई का दूसरा बड़ा शहर है। दुबई का कुल रकबा 4,114 मुरबा किलोमीटर है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की कुल आबादी 28,65,000 से ज़ायद है, जिनमें से ज़्यादातर लोग गैर मुल्की हैं। इन गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन की है, जो कि दुबई की आबादी का 43% हिस्सा है, और इसके बाद पाकिस्तानियों की, जो कि दुबई की कुल आबादी का 23% हिस्सा है। 17% अमराती लोग हैं और बाकी की आबादी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। दोस्तों, अगर दुबई की तारीख की बात की जाए तो ये शहर 1833 में मखदूम ख़ानदान की सरबराही में बनी लियास के कबीले के 800 लोगों ने आबाद किया। शुरू के दिनों में लोग माहीगिरी से गुजारा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर हीरो और मोतियों की तजारत होने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मार्केटें बनने लगीं, जहाँ पर गैर मुल्की ताजर अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए आने लगे। 1930 में दुबई की आबादी 20,000 लोगों के करीब थी। 1950 के बाद दुबई बंदरगाह और समंदरगाह में बढ़ना शुरू हो गया। इसे मरहूम शेख रशीद बिन सईद मखदूम की हुक्म पर साफ किया गया और इस बंदरगाह को बड़ा करने का काम शुरू हो गया। इसके बाद दुबई की बंदरगाह दुनिया के सामने एक बड़ी बंदरगाह बनकर सामने उभरी। इसी वजह से दुबई ने काफ़ी तरक्की की और दुबई को मसरूफ कर दिया। जब इन 7 अमारात ने मुत्तहिद होकर इस खित्ते को मुत्तहिदा अरब अमारात बनाया, इनके मुत्तहिद होने का मकसद खित्ते में अमन और तरक्की था। शेख जैद के दौर में दुबई ने सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल की। 1994 में तेल की बाकायदा एक्सपोर्ट के बाद इस खित्ते की तरक्की का आगाज़ हुआ, यानी तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। तेल से हासिल होने वाली आमदनी इस मुल्क की तरक्की में खर्च की जाने लगी। इस खर्च ने दुबई को खूबसूरत और कारोबारी जगह में तब्दील कर दिया। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट में शामिल है और दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,54,000 लोगों ने सफ़र किया और दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को दुनिया के सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग होने का एजाज़ भी हासिल है। इसी वजह से हर साल कई सयाह दुबई का रुख करते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ सयाह ने दुबई की सैर की। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें 162 फ्लोर हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से 80 फ्लोर से ऊपर रहने वाले लोगों को रमज़ान शरीफ में रोज़ा 2 मिनट लेट अफ्तार करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से सूरज देर तक नज़र आता रहता है। ये बिल्डिंग 2010 में तैयार हुई और इसे दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग होने का एजाज़ हासिल हुआ। बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद मौजूद है, जो कि 158 मंजिल पर वाक़ है। दोस्तों, ये थी हमारी दुबई पर एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।